नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति या उसका परिवार किसी बहुत बड़ी परेशानी समस्या से घिरा हुआ है, या विशेष तौर पर धन से संबंधित या कर्ज से संबंधित कोई समस्या है, तो उसके लिए इससे बड़ा व सरल कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू को उन चंद तांत्रिक वस्तुओं में शामिल किया गया है जिनके क्रियाकलाप के माध्यम से कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति अभीष्ट फल कार्य सिद्धि कर सकता है, अभीष्ट फल की प्राप्ति कर सकता है, अपने कार्यों को वह बना सकता है। झाड़ू को, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी धन वैभव सुख शांति की स्वामिनी है। तो बताया गया है कि झाड़ू जो कि हमारे घर की पूरी गंदगी को दूर करता है, यदि हमारे घर में बुरा वक्त चल रहा है तो वह असहाय है और माता रानी की कृपा उस घर में से रूठ गई है, तभी जाके व्यक्ति के वैभव में कमी आती है, परेशानियों से घिरता है, धन की कमी होती है, ऋण व्यक्ति के ऊपर पे हो जाता है। तो दिन के समय उस घर में, और यदि व्यक्ति अकेला भी रहता है तो व्यक्ति ने दिन के समय सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब व्यक्ति का बुरा वक्त चल रहा है या बहुत बड़ी से बड़ी समस्या व्यक्ति के साथ है, सूर्यास्त के समय वैसे भी झाड़ू नहीं लगाया जाता है, और सूर्योदय से पूर्व ही लगभग अंधेरे में ही झाड़ू लगाने का प्रयास, या अर्धरात्रि को झाड़ू लगाना चाहिए। कुछ समय ऐसा करने से व्यक्ति का बुरा वक्त दूर हो जाता है। यह अत्यंत ही सिद्ध तुरंत फल देने वाला चमत्कारिक उपाय है। ऐसा बताया गया है कि यदि पूरा वक्त हो तो दिन में भूल कर भी झाड़ू ना लगाएं, रात्रि को आप झाड़ू लगा सकते हैं, क्योंकि जो घर की गंदगी दूर कर सकता है वह आपकी गंदगी भी दूर कर सकता है। दिन में यदि उसके कहने संभव नहीं है तो वह रात्रि को अवश्य ही आपके कार्य को संभव बना देगा। तो आजमाइएगा जरूर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह तुरंत फल आपको देगा। कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इसी के कमेंट में आप लोग ये लिखते हैं कि हमको चमत्कारी फायदा हुआ है, क्योंकि शास्त्र में बताई गई चीजें कभी गलत नहीं होती है, और इनका चमत्कारी फल हमारे सतत प्रयास से हमें अवश्य ही मिलता है। तो यदि जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि किसी भी किस दिन से हमें ऐसा करना चाहिए, तो ऐसी प्रक्रियाओं के लिए रविवार और बुधवार को सर्वोत्तम माना गया है कि इस दिन से आप झाड़ू लगाना, जिस घर में परेशानी चल रही है, छोड़ सकते हैं। तो नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी के वीडियो हमारे पूर्व में है, पसंद आए तो बने रहिए चैनल के साथ, अन्यथा आपकी मर्जी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।